नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, बिटकॉइन का चार्ट आपके सामने है, एक दिन का चार्ट है। तो आज इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में, यानी कि कल के दिन में इसमें क्या हुआ। तो कल जब हमने यहाँ इसको छोड़ा था, तो आपने देखा हमने एक ड्रॉ लाइन करी थी। ये हमारा जो है सपोर्ट था और ये हमारा रेजिस्टेंस था। तो अभी जो मार्केट चल रही है वो इस रेजिस्टेंस पे और इस सपोर्ट पे चल रही है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो तकरीबन 22,400 US डॉलर के आसपास बिटकॉइन में रेजिस्टेंस आ रहा है। जैसे ही वो 22,400, 22,300 या पूरा 22,000 टच करता है, वो नीचे की तरफ दौड़ पड़ता है। जो ये प्राइस बनता है 18,800 के US डॉलर के आसपास जो है वो प्राइस बनता है। ये देखिए, इसको आप देखेंगे तो तकरीबन 13 जून से ये रेजिस्टेंस अपना ट्रेंड लाइन में एक चल रहा है, ये एक रेंज में ये चल रहा है। ये देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ टच करता है, फिर ऊपर उस रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर सपोर्ट पे आके गिरता है, फिर रेजिस्टेंस की तरफ दौड़ता है। तो अब ये जो सिचुएशन बन के सामने आ रही है, अगर हम हिस्ट्री को ध्यान में रखें तो इसका मतलब ये वापिस रेजिस्टेंस पे आने के इसके चांसेस बन रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो RSI है वो तकरीबन डेली बेसिस पे जो चल रहा है वो 47 के आसपास, 47 का RSI है, जो कि ठीक माना जाता है, बाइंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऑल्दो मिनिमम RSI 20 के आसपास भी गया था 18 जून 2022 को, लेकिन अभी ये दोबारा भी जैसे इसी रेजिस्टेंस पे गिरने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। तो स्मॉल बाइंग, शॉर्ट बाइंग धीरे धीरे कर सकते हैं, DCA कर सकते हैं। जैसे ही अपनी सपोर्ट को टच करेगा तो फिर ये ऊपर की तरफ इसके दौड़ने के चांसेस बन रहे हैं। और दोस्तों, एक चीज और नोट करने वाली है, कल यानी कि 8 जुलाई 2022, ये जो मैं कैंडल पकड़ रहा हूँ, इसमें अगर आप ट्रेडिंग का वॉल्यूम देखेंगे, ये वाला अगर आप देखेंगे, तो इतना बड़ा ये जो बार बना है, बहुत मोटी ट्रेडिंग हुई है इस दिन। तकरीबन 4 लाख के आसपास बिटकॉइन ट्रेड हुए हैं। उसका एक कारण ये भी था कि बाइनेंस जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्होंने ट्रेडिंग के जो ब्रोकरेज चार्जेस थे वो फ्री कर दिए थे। तो इस दिन जम के ट्रेडिंग हुई है। और मेरा ये मानना है कि जो बड़े फंड हाउस हैं या जो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े ऑपरेटर हैं, उन्होंने इस प्राइस में यहाँ बहुत अच्छी बाइंग करी है, क्योंकि उनके लिए ब्रोकरेज भी एक बहुत बड़ा खर्चा बैठता है, जो कि उनको कल उसका बेनिफिट मिला होगा। तो अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हुई है। लेकिन यहाँ मैं फिर बता दूं कि बाइंग का मतलब ये नहीं है प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, बाइंग का मतलब ये है कि वो सस्ते रेटों पे लेके इसको रख रहे हैं, आगे जब तेजी में इसको वो यूज करेंगे सेल करने में। और दोस्तों, अब हम यहाँ पर CoinGecko.com जो वेबसाइट है उसमें आ गए हैं। यहाँ पे हम टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उनका भी एक बार सिचुएशन देख लेते हैं कि वो कहाँ स्टैंड कर रही है। तो सबसे पहले ये बिटकॉइन आपके सामने है, इसका प्राइस 21,678 US डॉलर के आसपास चल रहा है। पिछले 1 घंटे में 0.3% का इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, और पिछले 24 घंटे में ये 0.0%। तो यानी कि पिछले 24 घंटे में ये स्टेगनेंट चला आ रहा है, एक ही प्राइस के आसपास जो है ये चल रहा है। और पिछले 7 दिन में 11.7% का इसमें इजाफा हुआ है, जिसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर की तरफ उठा था, और सॉरी, अपनी सपोर्ट से ऊपर की तरफ उठा था और अपनी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे हिट कर रहा है बार बार। इसीलिए पिछले 24 घंटे में 0.0% और पिछले 7 दिन में 11.7% है। उसी तरह इथरम की जो सिचुएशन है वो भी आप देखोगे तो तकरीबन, जब आप इथरम का चार्ट देखोगे तो वो भी बिल्कुल इसी की तरह आपको दिखेगा जैसा बिटकॉइन का चार्ट था। तो इथरम में भी अब यही हुआ है, पिछले 1 घंटे में 0.2% का इजाफा, 24 घंटे में -1.2% और पिछले 7 दिन में 14.6%। यानी कि ये भी अपनी सपोर्ट से हिट हुआ, ऊपर की तरफ दौड़ा और अपनी रेजिस्टेंस पे बार बार टक्कर मार रहा है। ये यूएसडी टीथर जो तीसरे नंबर पे स्टैग्नेंट कॉइन है, एक स्टेबल कॉइन है, इस पे डिस्कस करने का ज्यादा वो इशू नहीं है। यूएसडी कॉइन जो है ये भी एक स्टेबल कॉइन है, इसमें भी आगे डिस्कस करने में कुछ ज्यादा नहीं है। अभी हम बाइनेंस कॉइन BNB की बात करते हैं, जो 5वें नंबर पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो दोस्तों, ये भी सेम सिचुएशन हुई है। ये देखिए, पिछले 7 दिन में
अपनी अपना सपोर्ट को हिट किया और ऊपर रेजिस्टेंस पे टच किया है, और पिछले 1 घंटे और 24 घंटे में तकरीबन वही सिचुएशन पे घूम रहा है जैसे कि बिटकॉइन घूम रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ दोस्तों कि बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट मार्केट लीडर है, जैसा वो करता है सारे ओल्ड कॉइन उसके पीछे पीछे वैसे चलते हैं। बाइनेंस यूएसडी एक स्टेबल कॉइन है, इसको भी डिस्कस करने में अपने का कोई, क्योंकि ये इसका प्राइस हमेशा ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, 0.1% 0.2% का इसमें ऊपर नीचे होता है। 7वें नंबर पे दोस्तों एक्सआरपी हमें दिख रहा है, वही हुआ है, ये भी रेजिस्टेंस पे खड़ा है और अपना सपोर्ट पे इसने हिट किया पिछले 7 दिन में, और अब रेजिस्टेंस पे जाके सेम सिचुएशन में ये खड़ा हुआ है, वही सिचुएशन जो बिटकॉइन की है। कार्डानो में भी यही हुआ, पिछले 7 दिन में 6.6% का इसमें इजाफा हुआ और उसके बाद 1 घंटे और 24 घंटे में अपनी रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है, और यही सिचुएशन सोलाना और जो 9वें नंबर पे है और डोज कॉइन जो 10वें नंबर पे है उसमें बन रही है। एक बार यहाँ पे लगते हाथ हम मैटिक को भी देख लेते हैं, तो पॉलीगोन मैटिक की जो सिचुएशन है तो पिछले 7 दिन में तकरीबन 29% का, देखिए सबसे बड़ा, अगर सबसे ज्यादा गेन जो लिया है वो मैटिक ने लिया है। कुछ एक दो अच्छे प्रोजेक्ट भी इस पे शिफ्ट हुए हैं, वो मैं किसी और वीडियो में इसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये देखिए पिछले 7 दिन में ये 29% का इसने इजाफा लिया, रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट से अपनी ऊपर की तरफ गया और अब ये भी रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है। तो दोस्तों ये सारी सिचुएशन जो है इस टाइम मार्केट की बन के आ रही है, और जुड़े रहो दोस्तों क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।